तैयार हो गया। अब सनाया खाएगी, अब कारी पत्ता। अब श्रेया का चाचू खाएगा। ये देखते हैं, ये देखिए श्रेया सनाया छिलेगी। हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं डोसा। ये देखिए उड़द दाल है, ले लिए बाटी में उड़द दाल। अब इसको हम फूलने के लिए देंगे पानी में। ये बड़े से भगवने में डाल दिए उड़द दाल को। गाइस देखिए, ये दो बाटी हम लोग चावल लिए, एक बाटी उड़द दाल लिया था इसलिए डबल चावल लिया गया था, इसलिए डबल चावल ले लिया है दो बाटी। अब इसको ही फूलने के लिए देंगे। उसी बर्तन इसको भी डाल दिया अरवा चावल को। देखिए इसी तरह के दोनों बाटी को डाल दे रहे हैं फूलने के लिए। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग पानी। और देखिए गैस इस पर हम पानी डाल दिए हैं फूलने के लिए। अब इसको हम ढक के रख देंगे, पानी डाल दिए अच्छी तरीके से इसमें फूलने के लिए। ये देखिए आज सुबह सुबह क्या हो रहा है, फिर से झाड़ सफाई हो रहा है। और यहाँ मेरा बचवा क्या कर रही है, क्या कर रही है बाबू बोलो तो? भूख लगा है बाबू को, भूख लगा है। आए 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 कर रही है ना बेटी, आए आए करो, आ जा 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 जा, बैठ 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 बैठ। देखिए कितना गुस्सा हो गई है सनाया, पूरा गुस्सा हो गई है। हाँ देखिए अब बाबू का खाना बन रहा है सनाया का। क्या है ये सनाया का खाना में? दूध रोटी बन रहा है। देखिए ज़्यादा गर्म होने से ऐसे ठंडा होता है। ये देखिए क्या चीज़ बन रहा है, डोसा बनेगा। ये डोसा बनेगा, ये चावल सब फुलाया हुआ है, चावल दाल, आज डोसा बनेगा। देखिए अब पिसाएगा, ये सारा पिसा रहा है चावल, सब पिसा रहा है। देखिए ऐसे ऐसे करके पिसना पड़ता है, ज्यादा हो गया लग रहा है, ज्यादा हो गया है, पानी तन का डालना होगा। पुराना जमाना में सिलवट पे पिसाता था, यहाँ पे अब मिक्सी में पिसा रहा है। दो मिनट में तैयार, तो पीस ही नहीं सकता है इतना सारा। देखिए क्या एकदम मलाई की तरह हो गया है। ये गाइस चना दाल हम लिए हैं चटनी के लिए, डोसा बनाने के लिए। ये चना दाल का चटनी बनाएंगे हम, अब बादाम के बनाएंगे, दो चटनी बनाएंगे मैं डोसा के साथ में। और ये देखिए चना दाल का थोड़ा सा मैं वो कर ले रही हूँ, हल्का सा ब्राउन कलर के कर लेती हूँ, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करने से हो जाएगा ये। और ये चना दाल के गाइस चटनी आप लोग खा के देखिए बहुत टेस्ट लगता है। गाइस आप लोग चना दाल की चटनी खाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा, आप लोग खा कर देखिए किस तरह से बनता है, मैं बताऊँगी आपको। और एक बार बना कर देखिएगा डोसे के साथ में, बहुत टेस्ट लगता है। और ये देखिए मैं चना दाल को इसको भूज रही हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से, और उसके साथ बादाम की भी चटनी बनाऊँगी, दोनों को दिखाऊँगी किस तरह से बनता है। दोनों का रेसिपी एक ही टाइप के बनता है और दोनों टेस्ट वैसे लगे, लेकिन बादाम की चटनी में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग को गाइस बादाम की चटनी अच्छा लगेगी, चना दाल की बना कर देखिएगा, हमें दोनों अच्छा लगते हैं, आप भी खा कर देखिएगा। और ये देखिए हो चुका है ये ब्राउन, मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखिए मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं पानी, ओके पानी, इसको अच्छी तरीके से फूलने वजह दूँगी। देखिए ये फूलने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ा तक, उसके बाद इसमें चटनी बनाऊँगी इसका, थोड़ा फूल जाता है ना तो गैस अच्छे से चटनी पीस जाती है। ये देखिए गाइस हम लोग अपने घर के पास से ये कड़ी पत्ता तोड़ूँगी। देखिए घर से निकल गए हम लोग श्रेया मैं, अच्छा यार निकल चुके हैं कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए, डोसा में डालने के लिए कड़ी पत्ता तोड़ रहे हैं। देखिए इधर में कड़ी पत्ता का पेड़ है और यहाँ पे मैं नहीं काटेगा इधर। ये देखिए डॉगी श्रेया को काट रही है। अब मैं यहाँ से कड़ी पत्ता तोड़ेंगे, यहाँ देखिए बहुत सारा कड़ी पत्ता है फड़ा हुआ है, देखिए यहाँ भी कड़ी पत्ता फड़ा हुआ है। मैं यहाँ से कड़ी पत्ता तोड़ूंगी, ये हाँ तोड़ो श्रेया, कड़ी पत्ता तोड़ लिया है बहुत सारा देखिए, और श्रेया भी तोड़ी है, और भी तोड़ ले रहा हूँ। देखिए पूरा ये काट रहा है डॉगी, पत्ता बनाने के लिए कड़ी पत्ता तोड़ लिए है इधर से,
अब चले में हम लोग घर में तोड़ कर। अब ये देखिए हम लोग घर में जा रहे हैं, ये गली था हम लोग का, यहाँ से देखिए जा रहे हैं। श्रेया देखो डॉगी जाएगा, बंद करना, चलो 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 फटाफट फटाफट चलो, तुम आगे जाओ, दरवाजा बंद करो, फिर घुस जाएगा। ये देखिए करी पत्ता जो मैं डोसा में डालूंगी आलू में, इसको मैं तोड़ के लाई हूँ, इसको धो ले रही हूँ अच्छे तरीके से, इसको धो के निकाल लूंगी। ये देखिए गाइस मैंने ये दाल को जार में डाल दिया है, और इसमें मैं लहसुन और 2 सूखी मिर्चा का इसमें डालूंगी मिक्सर में, और इसको पीसूंगी। ये देखिए ये डाल दिया है, और इसको यही पानी से जो इसको पानी को मैंने फूलने के लिए दिया था वही पानी के साथ इसको पीसूंगी। ठीक है गाइस, चना दाल के मैंने चटनी पीस लिए गाइस, देखिए पूरे इस तरह से आप पीस लिए हम। और ये आप गाइस एक बार चटनी ये खा के देखिएगा, चना दाल का बहुत टेस्टी लगता है, इसमें हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। देखिए मैंने देखो नमक डाल दिए, इसको मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से पिसा गए हैं ये, अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी गैस। देखिए मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है इसमें तड़का लगाने के लिए। इसमें देखिए सूखी मिर्ची डाले हैं मैंने, लाल मिर्ची डाले हैं, और इसमें ये सरसों डालूंगी इस करने के लिए, चटकने देते हैं थोड़ा देर तक इसको, इसको ऊपर से मैं ये देखिए चटक रही है, इसमें करी पत्ता डाल दूंगी, देखिए इसमें करी पत्ता डाल दिया है। चला लेंगे अच्छी तरह से, चटक फिर अच्छी तरह से चटक जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा तेज कर रहा था। देखिएगा इसे ये चटक चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी इसको चटकने के लिए। और ये देखिए मैंने ये सभी चटनी के अंदर डाल दिया है, और गाइस ये देखिए चटनी, अब गाइस ये बना कर देखिएगा, बादाम का चटनी बहुत टेस्टी लगता है गाइस, हमें तो बहुत अच्छी लगती है ये चटनी गाइस। इसमें तो थोड़ा दही भी पड़ता है, लेकिन मैं तो अभी दही नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं इसमें थोड़ी सी नींबू ऐड कर दूंगी, दही तो नहीं है इसलिए मैंने इसमें नींबू ऐड करूँगी खट्टे होने के लिए, खट्टे होने से अच्छा लगता है। और मैं ये नींबू काट दे रहा हूँ इसमें, खट्टा होने आप डाल भी सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, दही डालने से और टेस्ट होगा। अभी तो मेरे पास दही नहीं है, इसको नींबू डाल के मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए गाइस मैंने आलू बनाने के लिए डोसे के लिए देखिए ये आलू फ्राई करूँगी, इसमें सभी कुछ डालूँगी, प्याज और टमाटर, ये हरा मिर्चा, ये आदि लहसुन का पेस्ट है, और ये आलू है। अब मैं अब डोसा के लिए मसाला बना रही हूँ देखिए, और इसमें ये डालूँगी कड़ी पत्ता का फोड़न डालूँगी बहुत सारा है। ये देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ तेल गर्म होने के लिए, अब मैं इसमें डालूँगी 5 फोड़न, देखिए आलू फ्राई करने के लिए इसमें ये 5 फोड़न चला के चटकने दूँगी। और इसमें डालेंगे गाइस हरा मिर्चा, देखिए ये हरा मिर्चा डालूँगी मैं, हरी मिर्च डाल दिया मैंने इसमें, और हरा मिर्चा देखिए इसमें फ्राई हो रहा है। अब इसमें मैं ओनियन टमाटो और ये सब डाल दूँगी, सभी मसाले इसी में डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी गाइस, सभी एक साथ में डाल देने से हो जाएगा, इसको सबको फ्राई करना होगा, देखिए सभी को फ्राई कर दूँगी। बस करी पत्ता मैं डाल दे रही हूँ, भूल चुकी थी मैं, अभी फिर से डाल दी हूँ करी पत्ता, उसको फ्राई कर दे रहा हूँ करी पत्ता डालकर। कि मैं बादाम की चटनी बना रही हूँ, इसमें भी लहसुन और मिर्चा डाली हूँ मैंने बादाम की चटनी में, अब मैं इसको पीसूँगी। देखिएगा ये फ्राई हो चुका है अच्छे से, इसमें मैं आलू डाल दूँगी, देखिए मैं आलू को डाल रही हूँ अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए गैस आलू पूरा भुजा चुका है, देखिए कितने सुंदर कलर हो चुके हैं, अब मैं डोसा बनाऊंगी, देख रहे हैं कितना सुंदर कलर हो चुका है, आलू पूरा भुजा चुका है। ये देखिए गैस बादाम पीस चुके हैं बादाम के चटनी के लिए, पीस लिए बादाम को, और इसमें मैं नमक डालूंगी, मसाला के साथ नमक डाल दीजिए, इसको मिक्स कर दे रही हूँ देखिए,
और मेरे पास तो दही नहीं है गाइस, इसीलिए मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ खट्टे होने के लिए। देखिए और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। एक बार बादाम का चटनी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने तो अब डोसे के साथ ये बादाम का चटनी बना रही हूँ, और मैंने चना दाल की भी चटनी बनाई है, आप लोग को दिखाई मैंने। कड़ी पत्ता और सूखा मिर्ची का तड़का लगाऊंगी सरसों का। देखिए इस तरीके से इसका तड़का लगा दी हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से थोड़ा। देखिए गाइस ये बादाम की चटनी कितनी सुंदर लग रही है। ये बादाम की चटनी रेडी हो चुके हैं डोसे के लिए खाने के लिए। ये देखिए गाइस मेरे डोसे के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है। देखिए ये डोसा का ये बेटर हो गया है। और ये देखिए ये बादाम का चटनी है, और ये है चना दाल का चटनी, और ये डोसा का मसाला। गाइस देखिए कितने अच्छे तरीके से लग रहा है ये। अब मैं अब डोसा बनाऊंगी। देखिए सब हो चुका है रेडी। इसको खींची इसको। ये देखिए गाइस मैं डोसा को ये कर रही तवा पे, और ये देखिए कितना सुंदर कलर हो चुका है इसका। गोल नहीं हो रहा है? नहीं गोल हो गया। हाँ आप गोल हो गया है। अब ये देखिए मसाला पड़ेगा। वीडियो करता है भगवान, सीधा कोई वीडियो करता है क्या? ये देखिए मैंने डोसा का डाल दिया है। अब ये थोड़ा लाल हो चुका है। देखिए अब ये लाल हो चुका है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। इसके मसाले को मैं अच्छी तरह से इसे लंबा करके डाल दे रही हूँ। और ये देखिएगा इसकी कितने क्रिस्पी हुआ, ये देख रहे हैं आप। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये डोसा तैयार हो गया। अब सनाया खाएगी, अब तारी खाएगी। गाइस डोसा बन चुका है, चटनी डोसा। और देखिए कितने क्रिस्पी हुआ है मेरे ये डोसा, देखिए कितने वास कर रहे हैं। और ये चटनी बादाम का चटनी है, ये है चना दाल का चटनी। ये देखिए अब श्रेया का चाचू खाएगा। और ये देखिए कितने क्रंची है ये, टूट रहा है, टेस्टी है, सादा वाला भी खा लेता। ये चना दाल का चटनी है, बादाम का चटनी, दोनों टेस्टी है। यहाँ दादी भी खा रही है डोसा। ये देखिए फिर से सनाया छीलेगी अंबिका से। ये देखिए कैसे छीना जा रहा है, सनाया छीन रही है, दम लगा रही है। ये देखिए अंबिका ने छिपा दिया था सनाया खोज लिए। ये देखिएगा ऐसे डोसा खा रहे हैं। ये देखिए कैसा बना है, देखिए यहाँ पे सोनाली भी खा रही है। कैसा बना है खुद का डोसा बना के? टेस्टी, टेस्टी बना है। हाँ देखिए श्रेया सनाया बोल रही है मेरा खाना क्यों नहीं बना है। यहाँ श्रेया बना रही है, यहाँ श्रेया बना रही है, दीदी बना रही है। ये देखिए क्या कर रही है तुम बाबू, बता दो तो क्या कर रही है। खाना नहीं मिला ना तुमको। ये देखिए दीदी बना रही है। अब यहीं पे हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, कैसा लगा बताइएगा डोसा रेसिपी।